गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. टुडेज आवर टॉपिक इज डिटरमिनर्स. इट्स योर चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम 7th क्लास. व्हाट आर डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट यूज बिफोर नाउन्स. इसका मतलब है कि जो भी डिटर्मिनर्स हैं वो सभी नाउन से पहले यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये दैट रूम, माय फ्रेंड, अ बुक, एनी मैन. दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स को हम कहते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं ऐसे शब्दों की ओर जो रिलेट करते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं नाउन्स के साथ रिलेट करते हैं और हमें प्रॉपर डिटर्मिनर्स यानी कि सेंटेंस को पूरी तरह हमें मीनिंग बताने में हेल्प करते हैं. पर्टिकुलर थिंग क्या है? जैसे ये बुक है तो ये एक बुक है ना. मैनी बुक्स होंगी तो मैनी क्या होगा? डिटर्मिनर होगा, मैनी बुक्स. दैट रूम, दिस रूम, दीज रूम्स, दीज आर द डिटर्मिनर्स. नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हमें पता है कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए, एन एंड द. ए, एन और द, दीज आर द आर्टिकल्स. ये हमें पता है स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होते हैं. ए और एन सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है. दैट जो द जो है वो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है. सेकेंड आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? जैसे हमने प्रोनाउंस में किए थे वही सेम है. दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज और दोज, ये चार ही डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं. नेक्स्ट आते हैं पोजेसिव. पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? पोजेसिव होते हैं जैसे माय, हर, हिज, आवर, एक्सेट्रा. जैसे हमने प्रोनाउंस में की थी सेम वही चीज है. प्रोनाउंस वाले ही वो पोजेसिव प्रोनाउंस ने हम कह रहे थे और इसमें पोजेसिव डिटर्मिनर्स कह रहे हैं. फोर्थ इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जो हमें किसी क्वेश्चन की तरफ इंडिकेट करते हैं. क्वेश्चन जैसे विच, वेयर, दीज आर विच, वेयर, एक्सेट्रा. नंबर फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो हमें चीज के बारे में बताते हैं कि कितनी चीजें हैं. जैसे सेवरल, मैनी, एनी, एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है सिक्स्थ नंबर पे क्वांटिटीफायर्स. क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स होते हैं जो हमें क्वांटिटी बताते हैं. जैसे सम, मच, अ लिटल, एक्सेट्रा. Now we will do the exercise from your book. Exercise A. What is this? He will return in AR या NR. ये हमें कैसे पता लगता है कि A और N कैसे यूज होते हैं? A, N और the का क्या फॉर्मूला है? देखिए, जो A है वो यूज होता है जहां पर कोई सिंगुलर नाउन होता है.
इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहां पर भी होता है, और कंसोनेंट के साथ जिसका साउंड हो उसके साथ हम ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अ डियर, डी जो है वो कंसोनेंट है, वॉवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, जहां पर कंसोनेंट्स आते हैं और उनके साथ किसी भी वॉवल साउंड का साउंड नहीं होता वहां पर हम ए का यूज करते हैं, अ डियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल अ नर्स, अ टीचर, अ क्रिश्चियन। इसके बाद यूज होता है एन का, एन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होते हैं लेकिन ये वॉवल साउंड के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एग, एन ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा। एन ऑनेस्ट मैन जो है, ऑनेस्ट में एच लगा हुआ है लेकिन ये जो एच है वो साइलेंट है और ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, तो इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया। इसी के साथ और देखिए एन आर, एन आयरस, एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेरी मेंबर, ऑन आयर, एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट देखिए ए का यूज, इनके साथ देखिए ये वॉवल्स हैं लेकिन इनका जो साउंड है वो कंसोनेंट का है, देखिए यूरोपियन, इसमें ई साइलेंट है, यू की आवाज आ रही है, यू भी वॉवल है लेकिन जहां पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को जब हम बोल रहे हैं तो अ की आवाज आ रही है, हिंदी में अ आ ई ई उनको आपने पढ़ा है सुना है, तो जब भी उनका साउंड आएगा तो हमने एन लगाना है चाहे वो कंसोनेंट के साथ हो, जैसे एमए है ना, नीचे देखिए यहाँ दे रखा है एमए, एमपी, एमएलए, दीज आर द कंसोनेंट सॉरी वोवल साउंड, एम अ की आवाज आ रही है ना साथ में एम, तो इसलिए इसके साथ हमने एन यूज किया। लेकिन यहां देखिए ओ ओ वोवल है, यू वोवल है लेकिन इनका जो साउंड है वो कौन सा है, देखिए वन, वन को जब हम बोल रहे हैं तो डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, ऐसे यूरोपियन में यू, यू का साउंड आ रहा है, इस वाले यू का जो इसके ई के बाद लगा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनियन, दीज आर द साउंड्स ऑफ यू कंसोनेंट, तो इसीलिए हम इनके साथ ए यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, ही विल रिटर्न अ या एन आर, तो आर जो है इसमें एच साइलेंट है और एच ओ का साउंड, एच साइलेंट है तो ओ का साउंड आ रहा है इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, एन। डैश लॉयन इज अ मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स, लॉयन, लॉयन क्या है, एल का साउंड क्या है बेटा, कंसोनेंट का साउंड है इसीलिए हम इसके साथ अ लॉयन लगाएंगे। शी इज इन डैश हरी, अब इसको हम हरी बोल रहे हैं, अरी नहीं बोल रहे हैं, अगर इसमें एच साइलेंट होता और अ की आवाज आती तो हम एन लगाते लेकिन हरी है, ह है तो अ हरी। ही वॉज वेटिंग फॉर डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस, अब अपॉर्चुनिटी में अ की आवाज आ रही है लेकिन लगा हुआ है ओ, साउंड ये अ का दे रहा है तो इसके साथ एन आएगा। हिज सन हैज ग्रेजुएटेड एज डैश इंजीनियर, इंजीनियर में ई का साउंड आ रहा है तो एन इंजीनियर। गिरीश वॉन्ट्स टू बिकम डैश एक्टर, एक्टर भी क्या है, अ का साउंड दे रहा है, वोवल साउंड है तो एन। ओके, आई होप दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर, दीज आर आर्टिकल्स ही हैं ये भी, एक्सरसाइज डी देखिए, एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यूज करने हैं, जहां पर नहीं यूज होगा वहां पर आपको एक्स लगाना है यानी कि नो लगाना है। इट टुक ऑलमोस्ट डैश आर एन आर, आई वॉज टॉट फ्रेंच, फ्रेंच से पहले कुछ नहीं आएगा, बाय अ फ्रेंच लेडी। ओके, डैश इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब इसमें भी द इंग्लिश लगाएंगे तो भी सही है, अगर नहीं लगाते हैं तो भी सही है क्योंकि इंग्लिश को हमें बताने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज की जरूरत नहीं है, तो द इंग्लिश नहीं आएगा, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। डैश ब्रदर, अब माय ब्रदर, सॉरी ब्रदर केम ऑन हिज बाइसिकल टू मीट मी एट द पार्क, मेरा भाई मिलने को आया, वैसे तो इसमें माय ब्रदर आना चाहिए है ना, लेकिन इन्होंने कहा सिर्फ आर्टिकल्स लगाने, तो आर्टिकल्स तो माय नहीं आएगा तो इट मींस यहाँ पे क्रॉस आएगा। ऑन माय वे आई मेट डैश यूरोपियन अ यूरोपियन एंड डैश अमेरिकन एन अमेरिकन। नेक्स्ट डैश पेशेंस इज डैश वर्च्यू, द पेशेंस इज ग्रेट वर्च्यू अ वर्च्यू, गुण है तो अ लगाएंगे। प्लीज गिव मी डैश सॉल्ट, अब इसमें सम सॉल्ट आना चाहिए है ना, सॉल्ट पास कीजिए थोड़ा सा,
कुछ, तो इसके लिए सम सॉल्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिकल्स के व्यू से देखें तो हमें यहाँ पर क्रॉस लगाना है। आई इन्वाइट हिम फॉर डैश डिनर, फॉर द डिनर, डैश सन राइजेज इन द डैश ईस्ट। अब द सन क्यों, सन एक ही है, स्पेसिफिक है, इसलिए द सन। ऐसे ईस्ट भी दिशा है एक, तो इसके लिए भी द यूज होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ड्रॉ डैश मैप ऑफ डैश इंडिया, ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली। नाउ वी विल डू नेक्स्ट फिलअप्स। टैगोर इज डैश ओनली इंडियन। नाउ अब आपको ये आर्टिकल्स जितने भी रह गए 11 से लेके यहाँ तक 8th एक्सरसाइज ई भी, ये आप खुद कंप्लीट करोगे। ओके, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।